लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ये झूमर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको वीडियो में इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है और बहुत नीचे तक लटक रहा है इसलिए। तो और ये ब्यूटीफुल इतना लग रहा है कि यहाँ पे इनके साथ मैंने लगा दिया है इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं मैं दिखा। और ये सब हमारे घर पर जो प्लास्टिक बोतल आती है इनमें कोल्ड ड्रिंक या सोडा वगैरह जो भी आता है इसमें, तो ये वो बोतल है और इनको हम रीयूज़ करके फेंक देते हैं। तो उन्हीं बोतल से मैंने बनाया है, जो छोटी वाली बोतल होती है। और मैंने कौन सा पेंट किया है इन सब पे, ढक्कन पे या इनके जो छोटे छोटे फ्लावर बनाया है उन पे मैंने पेंट किया है, तो वो भी मैं बताऊँगी कौन सा मैंने पेंट किया है। और पेंट मैंने इस तरह किया है, वो वाला पेंट किया है जो हमेशा टिका रहे, ख़राब ना हो धूप बारिश में, तो मैंने टिकने वाला इन पे पेंट किया है। तो वो पेंट का नाम बताऊंगी कौन सा पेंट किया है। तो चलो देखते हैं मैंने किस तरह से बनाया है। ये पड़ी हुई है मेरे पास कुछ बोतलें, ये बोतलें इकट्ठी की हुई थी मैंने घर में, जब हम पीने के लिए आता है कुछ इसमें सोडा वगैरह या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी है इसके अंदर, तो ये मैंने उठा के रख ली थी। तो मेरे दिमाग में था कि मैं इसको कुछ बनाऊंगी इसमें, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी माइंड में आ रहा है कि कुछ हैंगिंग वाला कुछ इस तरह से बनाऊंगी, लटकने वाला। और ये इसके यहाँ पे ये सारे रैपर हम हटा लेंगे इस तरह से। सारे रैपर को हम इस तरह से हटा लेंगे। हमने ये देखिए रैपर उतार लिया है, उसके बाद हम इसको कट करेंगे, कैंची से भी कट जाएगी आराम से, तो इसको हम कट करेंगे। अब और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसका बोतल का, इसका भी मैं कुछ यूज करूंगी, इसका मैं फ्लावर बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये कट गया है, ये इसका कट गया और ये हमारा ये कट गया है। हमें ये वाली तल और हमें ये वाली ये मैंने काट लिया है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे ये हमारे पास फ्लावर से आ गए हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर जैसे लग रहे हैं और इन पे भी हम पेंट करेंगे। तो इस तरह से कट के हमारी बोतल तैयार हो गई है। और हमें अब मैं इन पे ढक्कन पे पेंट करूंगी क्योंकि वाइट है तो मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं ये, तो मैं सोच रही हूँ ये देखिए इस पे ना इस तरह से नाम भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन पे मैं पेंट करूँगी, ढक्कन पे पेंट करते हैं इस पे। हमारा है एक ढक्कन, मैं इसको इस तरह से ऊपर और नीचे इस तरह से मैं बोतल लटकाऊंगी, तो इसको भी मैं पेंट करूंगी। तो पहले मैं ढक्कन को पेंट करती हूँ, पहले ढक्कन को पेंट करेंगे अब हम। मेरे पास है बर्जर का येलो पेंट है जो लकड़ियों वगैरह पे होता है, तो ये वो वाला पेंट है, ये देख सकते हैं आप, बर्जर का है मेरे पास। ये येलो पेंट है, वुडन पेंट है, ये हाई ग्लॉस इनेमल पेंट है मेरे पास। और ये भारी दीवारों पर भी होता है, ये लकड़ियों पर भी होता है, मतलब ये पेंट इस तरह से है, इनेमल पेंट ऐसा होता है, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है ये पेंट। और जब भी हम पेंट करें तो इस तरह से हमें कुछ नीचे रख लेना है, मैंने ये लकड़ी का पीस यहाँ पे नीचे रख लिया है ताकि पेंट गिरे तो इस पर लग जाए और हमारे नीचे जो फरस है वो भी ख़राब नहीं हो, कपड़े भी ख़राब नहीं हो। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अब हम पेंट करेंगे। इस तरह से हमें सभी ढक्कन को पेंट कर लेना है।
इस तरह से पेंट कर दूंगी और ये हमारा फ्लावर की तरह बन जाएगा फिर। और ये वाला भी इनेमल पेंट है मेरा। सब पे पेंट सूख गया है और जितना भी मैंने पेंट किया था और सब इनेमल पेंट था। और इसको इनेमल पेंट को ना थोड़ा सा ना टाइम लगता है सूखने में। एक्रेलिक पेंट होता है वो जल्दी सूख जाता है, लेकिन मैं वो वाला पेंट मैंने नहीं किया है। और ये सब सूख गया है और सूखने के लिए मुझे पूरा एक दिन लगा है। और ये सुबह मैंने इसको पेंट किया था और पूरा दोपहर तक मैंने इसको छोड़ दिया था और शाम तक। तो अब ये थोड़ा रात हो चुकी है और रात को मैं ये काम कर रही हूँ। और अब हम इस पर छेद करेंगे बोतल में और ढक्कन पे, और जो भी हमारे ये फ्लावर्स है इन पे हम सब गैस पे थोड़ा सा गरम करके, ये सुई ले रखी है मैंने बड़ी वाली जो सुई होती है उसको गरम कर लिया है, और उससे हम सब बोतल में छेद कर लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे धागा बांधना है, लटकाना है रस्सी वगैरह की सहायता से हम इसको हैंग करेंगे। तो सब पे मैंने होल कर लिया है और अब फ्लावर है इन पे भी मैं होल कर देती हूँ। सब पे एक एक फ्लावर पे सब पे एक एक छेद किया है मैंने इन पे, क्योंकि इस पे एक ही बहुत है। तो सब पे इन पे भी मैंने होल कर लिया है। और अब आ गई हमारी इसको बांधने की। अब होल करने के बाद हम इसको, हमारे पास कोई भी धागा हो या रस्सी हो उससे हम इसको बांधेंगे हैंग करने के लिए। और मेरे पास ये मोटा धागा है, ये टूटने वाला जल्दी नहीं टूटेगा, तो मैंने सिंगल ही इसको लिया है और ज़्यादा वेट वाली भी बोतल नहीं है ये, तो मैंने इसको सिंगल ही लिया है और धागा थोड़ा मजबूत है इसलिए। अब हम इसको सबको एक एक करके थोड़ा हाइट पे सबसे पहले छोटी बांधेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी, और फिर उसके बाद बड़ी, ऐसे करते करते थोड़ा ना हमें हाइट के हिसाब से बांधना है, थोड़ा सा गैप दे दे के बांधना है। और उसके बाद ये फ्लावर मैंने इस पर बांध दिए हैं, फ्लावर बिल्कुल सटा सटा के बांधे हैं मैंने इस पर ये, ताकि गैप ना रहे और इस ये सीधे रहे, इसलिए मैंने। इसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है ये झूमर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको वीडियो में इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है और बहुत नीचे तक लटक रहा है इसलिए। तो और ये ब्यूटीफुल इतना लग रहा है कि यहाँ पे इनके साथ मैंने लगा दिया है इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं मैं दिखाती हूँ। मैंने लगाया है इसमें वॉन्ड्रिंग जू, और फिर है ये मनी प्लांट अपना, फिर वॉन्ड्रिंग जू, फिर है सिंगोनियम, फिर वॉन्ड्रिंग जू, फिर है मनी प्लांट, फिर वॉन्ड्रिंग जू। तीन प्लांट मैंने इसमें लगाए हैं, वॉन्ड्रिंग जू, मनी प्लांट और सिंगोनियम, तीन प्लांट मैंने लगाए हैं। और इनकी रूट इतनी नहीं फैलती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं दूर से आपको दिखाती हूँ, ये देखना, इतनी दूर से दिखा रही हूँ फिर भी ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है पूरा, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है झूमर। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, थोड़ा टेढ़ा करके दिखाती हूँ फ़ोन को इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लग रहा है कुछ, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा किया है फ़ोन को इसलिए आपको ये पूरा दिख रहा है। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।